साउथ इंडस्ट्री के नंबर वन डायरेक्टर एसएस राजामौली की मोस्ट अवेटेड फिल्म आरआरआर ने रिलीज होते ही इतिहास रच दिया है। जी हाँ गाइस, अब ठीक सुन रहे हैं। रिलीज के पहले दिन ही आरआरआर ने 220 करोड़ रुपए की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन और इंडिया में 156 करोड़ रुपए का कलेक्शन करके राजामौली की ही बाहुबली 2, मार्वल की अवेंजर और डीसी की बैटमैन को धूल चटा दी है। यही नहीं, 300 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट में बनने वाली इस फिल्म ने अमेरिका में भी 22 करोड़ रुपए कमाकर सभी भारतीय फिल्मों को यूएस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में पीछे छोड़ दिया है। यानी कि देश हो या विदेश, हर जगह सिर्फ आरआरआर का ही डंका बज रहा है। बहरहाल, जिस तरह से ये ओपनिंग हुई है, कयास लगाए जा रहे हैं कि आरआरआर आगे चलकर 1000 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक आंकड़े को भी छू सकती है। गाइज, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइज, क्या आप जानते हैं कि मार्क जकरबर्ग की कंपनी दुनिया का सबसे तेज और सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर बना रही है? जी हाँ गाइज, अब ठीक सुन रहे हैं। इस कंप्यूटर का नाम रखा गया है सुपर क्लस्टर, और ये 2022 के मिड तक तैयार हो जाएगा। आपको बता दें कि अभी तक का सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर है फुगाकू, जो कि जापान में है, और इसमें 7.3 मिलियन कोर्स हैं। जरा सोचिए कि जब आप अपने कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसमें 16 कोर्स या फिर 32 कोर्स ही होते हैं, और यहां पर 7.3 मिलियन कोर्स से भी ज्यादा का सुपर कंप्यूटर बनाने की बात हो रही है। इसकी स्पीड का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एप्पल का लेटेस्ट आईफोन 1 सेकंड में 736 बिलियन ऑपरेशन कर सकता है, लेकिन फुगाकू कंप्यूटर की स्पीड एक आईफोन से 6 लाख गुना होती है, और सुपर क्लस्टर तो फुगाकू से कई गुना तेज होगा। गाइस, कहा यह भी जा रहा है कि सुपर कंप्यूटर के बनते ही काम चुटकियों में होने लगेंगे, और साथ ही साथ साइबर हैकिंग भी कंट्रोल में आ जाएगी। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।